हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएस कुमार, आप देख रहे हैं आईसी न्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे किस तरह से आप कम्युनिटी पोस्ट में वीडियो को डाल सकते हैं और उसके लिए बैनर कैसे बनाना है, हम भी किस तरह से बैनर बनाते हैं कम्युनिटी पोस्ट में डालने के लिए और किस तरह से वीडियो को डाला जाता है, आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पिक्सल लैब ओपन कर लेंगे। अगर आपके मोबाइल में ये पिक्सल लैब नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको सबसे ऊपर थ्री डॉट पे आना है। यहाँ पर इमेज साइज, यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमको कम्युनिटी टैब पे जो वीडियो डालते हैं उसका थंबनेल बनाना है, उसका बैनर बनाना है। उसके लिए हम कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपको स्क्वायर में आ जाएगा। यहाँ पर आप इसे चाहे तो डिलीट कर देंगे या आप कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जो भी कलर आपको रखना है वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको कलर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमको एक फ़ोटो सेट करना है तो प्लस पे क्लिक करेंगे और मेरा फ़ोटो है गैलरी में सेव है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, मेरा फ़ोटो है जो पीएनजी फाइल में है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर साइज आप कटिंग कर लेंगे, आपको जितना साइज रखना है। तो देखिए, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोटो का आउटलाइन यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, आउटलाइन आप मोटा कर सकते हैं या आपको पतला करना है यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइप कर देंगे, कुछ टेक्स्ट। तो देखिए, हमने यहाँ पर कुछ टाइप कर दिए हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, इसे बोल्ड कर लेते हैं। अब इसे हमको ये फॉन्ट को साइज बड़ा करना है, साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इसे आउटलाइन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आउटलाइन यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो कलर का आपको आउटलाइन देना है वो कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से आप आउटलाइन को मोटा कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर में कुछ हेडिंग आपको टाइप करना पड़ता है। यहाँ पर फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ यहाँ पर हमको लोगो देना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारा लोगो आपको मिलेगा। आप जिसे देना चाहते हैं उसे दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत तरह का आपको लोगो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमको हैंड वाला लोगो लगाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे।
एक और क्लिक करेंगे, दो हैंड यहाँ पर लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ वर्ड हमको टाइप करना है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हिंदी से हमको टाइप करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और हिंदी पे क्लिक करेंगे। फिर हमको यहाँ पर कुछ टाइप भी कर सकते हैं, या आप वॉइस सर्च यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो बोलेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा जाएगा। चलिए हम वॉइस सर्च ऑन करके यहाँ पर कुछ बोलते हैं। ऊपर लिंक पर क्लिक करें, वीडियो देखें। तो यहाँ पर देखिए जो हमने वॉइस सर्च में बोले वो यहाँ पर टाइप हो गया है। इसे आप अच्छी तरह सेट कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसे बोल्ड कर देते हैं। इस तरह से ये बोल्ड हो गया है। आप इसे चाहे तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो बैकग्राउंड कलर आप देना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह का आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे सकते हैं, बहुत सारा कलर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको जो कलर देना है उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपका जो कम्युनिटी पोस्ट में जो वीडियो डालेंगे उसका बैनर यानी कि थंबनेल ये बन चुका है। अब इसे आपको किस तरह से वीडियो के ऊपर लगाना है चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर सेव का बटन बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेव एस इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे तो ये गैलरी में सेव हो जाएगा। तो देखिए ये गैलरी पर सेव हो गया है। अब हमको कम्युनिटी पोस्ट पे वीडियो डालना है, ये थंबनेल को वहाँ पर लगाना है। तो उसके लिए हम अपना यूट्यूब ओपन कर लेंगे। तो देखिए यूट्यूब है, यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। उसके बाद सर्च में टाइप करेंगे आईसी न्यूज़ ब्लॉग्स। यहाँ पर देख सकते हैं आईसी न्यूज़ ब्लॉग्स, ये मेरा ब्लॉग्स चैनल ओपन हो गया है। यहाँ पर वीडियोस पे जाएंगे और जो वीडियो को हमको कम्युनिटी पोस्ट पे डालना है वो वीडियो को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा वीडियो है। तो चलिए हमको एक वीडियो यहाँ से ले लेना है। यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और शेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्रिएट पोस्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका लिंक को आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ से वीडियो का जो लिंक है ये कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो गया है। उसके बाद फिर से हमको यूट्यूब पे आना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूट्यूब में आ चुके हैं। अब ये प्लस वाले निशान पे क्लिक करना है। नीचे देख सकते हैं पोस्ट लिखा हुआ, पोस्ट पर क्लिक करेंगे। आज जो लिंक वीडियो का था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं ये वीडियो का जो लिंक है ये पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो थंबनेल हमने गैलरी में सेव किए थे उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट का जो वीडियो है उसमें ये थंबनेल ये बैनर लग चुका है। पोस्ट पे आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये पोस्ट हो चुका है। उसके बाद जैसे ही चैनल ओपन करेंगे और यहाँ पर क्लिक करते हैं योर चैनल और कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वो वीडियो ये आ गया है कम्युनिटी टैब पे।
और ये पोस्ट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपना YouTube वीडियो को कम्युनिटी पोस्ट पे आप पोस्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आप बैनर बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपको नया अपडेट मिल सके। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।